दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। दोस्तों भारत की इकलौती कंपनी है आरसीएम, इकलौती कंपनी आरसीएम है जिसमें प्राण गीत लिखा गया है। एक ऐसी एमएलएम कंपनी है जिसमें प्राण गीत एक गीत लिखा गया है, एक संदेश लिखा गया है। भी सेमिनार शुरू होने से पहले, मीटिंग शुरू होने से पहले, सबसे पहले हम आरसीएम की प्राण गीत के साथ शुरुआत करते हैं। तो प्राण गीत में जो बोला जाता है उसका क्या मतलब होता है, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। आज इसकी मीनिंग हम आपको बताएंगे कि प्राण गीत के मीनिंग क्या, ये लिखा क्यों गया है। अगर आपने प्राण गीत का मीनिंग समझ लिया, मतलब इसका जो लिखा हुआ मतलब समझ लिया अगर आपने, तो आपको बिजनेस करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जब हमारे देश में क्रिकेट होता है या कुछ ऐसे बड़े काम किए जाते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रगान चलाया जाता है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो इस तरीके से चलाया जाता है। यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, खास करके आरसीएम का जो सेमिनार होता है, आरसीएम बिजनेस में जो मीटिंग होती है, वहां पर प्राण गीत चलाया जाता है खड़े होकर के, और प्राण गीत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं प्राण गीत से आप क्या सीख सकते हैं, उनका क्या संदेश है इस प्राण गीत के द्वारा दिया गया है, टीसी सर का जो संदेश है वो कौन सा संदेश वो देना चाहते हैं, हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, उन्होंने प्राण गीत में वो सारी चीजों को डाल दिया है। बिल्कुल निचोड़ बताने वाला हूं, एकदम शॉर्टकट में बताने वाला हूं आपको, और प्राण गीत से ही आपका बिजनेस बहुत बढ़िया हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्राण गीत में सबसे पहले लिखा गया है, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। मतलब कहने का मतलब यह, टीसी सर का कहने का मतलब ये है कि सभी लोग खुश हो, खुशहाल रहे और सुख शांति सभी के घरों में बनी रहे। सुख शांति तभी बनी रहेगी जब उनके घर में पैसे होंगे, अच्छे स्वास्थ्य होंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छे रिलेशन होंगे, तभी उनके घर में सुख शांति होगी, खुशहाली होगी। ये आरसीएम में मिलता है। दूसरा, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना। मतलब कि हम खुद अपना काम करें और खुद हम उसको अपना पूरा करें, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। हम कमजोर तब हो जाते हैं, निराश तब हो जाते हैं जब हम किसी और के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं, किसी और के भरोसे बैठ जाते हैं, तो वहां पर हमारी ग्रोथ कम हो जाती है। सेल्फ डिपेंडेंट बने, खुद हम अपना काम करें, खुद हम अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं। उसके बाद है, आगे इसमें लिखा गया है, कोई हाथ है यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जावे सब। मतलब कि कई बार क्या होता है ना कि हम हाथ फैलाते रहते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, हमारे पास ये चीज़ की कमी है, वो चीज़ की कमी है। तो यहाँ कहने का मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ, हाथ मत फैलाओ किसी के सामने आप। इसके बाद यहाँ पर है, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह का चोरी ना हो, कोई फरेब ना हो, किसी के साथ कोई गलत ना करे, हमेशा मिलजुल के हम साथ में रहें, यही सिखाया जाता है मीटिंग में, सेमिनार में, हमारे आरसीएम बिजनेस में ये सिखाया जाता है, एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। उसके बाद है, ना कोई किसी गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। मतलब किसी को कोई गुमराह ना करे, कोई झूठ ना बोले, कोई फेक ना करे, किसी के साथ में कुछ गलत ना करे, सब सच्चे पथ के, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम का बिजनेस है, तो लॉन्ग टाइम में हम किसी के साथ किसी भी तरह का कुछ अव्यवहार, कुछ गलत, कुछ झूठ ना करे, ये इसमें बताया जा रहा। आपने प्राण गीत को अगर सही तरीके से समझ लिया तो बिजनेस करना आपका बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ तक आ गए हैं तो एक लाइक दबा दीजिए वीडियो पर, ताकि इससे क्या होगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा। आगे चलते हैं। उसके बाद है, आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। मतलब कि किसी तरह का आतंक नहीं होना चाहिए, लूट मार नहीं होनी चाहिए, लूट घुसोट नहीं होनी चाहिए, हम सब एक साथ रहें, एक साथ चले, और हमेशा प्रेम भाव हमारे साथ होना चाहिए, अपने टीम में, अपने परिवार में, आरसीएम परिवार में। इसके आगे है, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, किसी भी तरह की समस्या आ जाए सब साथ में रहे, यानी हर संकट में हम एक दूसरे के साथ रहें, हर संकट में एक दूसरे के हाथ में हाथ हमारा रहना चाहिए, सपोर्ट में रहने चाहिए, सपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा आरसीएम का, बहुत बढ़िया। ना ऊंच नीच की बात करें, एक दूजे का सम्मान करें, किसी तरह का हम ऊंच नीच की बात नहीं करते ना, ये छोटा बिरादर है, ये गरीब है, ये इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है, ऐसा कभी नहीं करना। अगर आपके मन में ऐसा भेदभाव आ गया तो समझ लो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपका बिजनेस रुक जाएगा, और आप वहीं के वहीं रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए कभी भेदभाव नहीं लाएं, कभी किसी भी तरीके का ऊंच नीच वाला हम बात ना करें। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। मतलब कहने का मतलब है, जात पात की कोई दूरी नहीं होनी चाहिए कि इस बिरादर का, उस बिरादर की कास्ट। सोच कर देखो, ज़्यादातर हमारे भारत देश में देखा जाता है, मीडिया लोग ज़्यादा क्या करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात कर करके अपना व्यूज लेते हैं, अपना वो टीवी चैनल को रन कर रहे हैं, बता रहे हैं इधर पाकिस्तान में हुआ, हिंदुस्तान में हुआ, ये सब गलत बातें हैं। यहाँ पर बताए हैं टीसी सर की, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा। अब सोच लो, जो मिलिट्री वाले हमारे जो सीमा पे लड़ाई करने के लिए गए हुए हैं, वहाँ अगर वो लोग आपस में जात पात का भेदभाव रखे तो क्या लड़ाई हो पाएगी, क्या हम दूसरे देश से जीत सकते हैं? नहीं, ये तो आपस में ही मर जाएंगे फिर, जात पात की अगर हम लोग दूरी ना रखे तो। इसलिए यह लिखा गया है, टीसी सर ने बहुत बढ़िया तरीके से इस प्राण गीत को लिखा। प्राण गीत नाम ही प्राण गीत, आपके प्राणों का गीत है, ये समझना। हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी
प्रवासी कहलावे, मतलब कि हम ऐसे बन के रहें, एक साथ रहें, एकजुट रहें, हमें कोई अलग ना कर सके, कोई हमें जुदा ना कर पाए और हम सब भारतवासी कहलाएं, इतना अच्छा काम करें। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। हम किसी भी तरीके का मजबूर ना बने, मजबूरी है, ये है, वैसे हो गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास लोग नहीं, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो गलती से जन्म ले लिया, ऐसा नहीं बोलना, ये शब्द का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। मजबूत बनना है, ये सिस्टम के साथ, सिस्टम को फॉलो करके मजबूत। पूर्ण होगी सबकी आशा या आरसीएम की अभिलाषा। तो दोस्तों आरसीएम इकलौती कंपनी ऐसी है जिन्होंने प्राण गीत लिखा, इस प्राण गीत में वो सारा चीज उतार दिया है जो हमें जीना चाहिए, हमें जो सीखना चाहिए, हमें जो चलना चाहिए, हमारा जो व्यवहार होना चाहिए, हमारे जो विचार होने चाहिए, वो सारी चीजों को इस प्राण गीत में डाल दिया गया है। ये प्राण गीत आप इंटरनेट पर भी सर्च करके मंगा सकते हैं। इस प्राण गीत को अगर आपने सही से समझ लिया, पढ़ लिया, तो समझ लो कि आपका बेड़ा पार है। और आपको ये प्राण गीत याद होना ही चाहिए, अगर आप आरसीएम के लीडर हो, डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हो, तो इसको याद कर लो, इसी पर आप काम करना शुरू कर दो, आपके बिजनेस में चार चांद लग जाएंगे, बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रोथ करेगा आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूं कि प्राण गीत के एक एक शब्दों को आप तक सही तरीके से मैं उसका मीनिंग निकालकर पहुंचा पाया हूं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि सभी को इस प्राण गीत का मीनिंग पता चले, मतलब पता चल जाए कि इस प्राण गीत में क्या लिखा गया, इसका क्या फायदा हो सकता है। ये आपके सभी दोस्तों, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को पता चलना चाहिए, इसलिए वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। दूसरी वीडियो में मुलाकात आपसे होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।